राम राम जी सारा ना, आप सबका अपने YouTube चैनल दुर्गा क्लोथ हाउस जुलाना में स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए यहाँ पर प्योर क्रेप में बटरफ्लाई और सिमर में अंबिका डिजाइन, जमा कम रेट में आ गए हैं ये आड़े सूट है। और कलर चार्ट भी वो आया है भाई, जो वी सैक ब्रांड में 1550 में आया था यो उससे थोड़ा कम में आया है, पर थोड़ा फर्क है देख लियो, ब्रांड नहीं है यो, वो वी सैक वाला था। कलर चार्ट और दिखने में सेम लग रहा है। प्योर क्रेप ही फैब्रिक है, कपड़ा वो है, डिजाइनिंग भी मिलती जुलती है, पर दिखा दूं मैं किस चीज में क्या डिफरेंस है। दुपट्टा भी न्यू है, डिजिटल प्रिंट का, फुल प्योर का यो सूट आओगा। इसकी बैक में बाजू में एक तो डिजिटल प्रिंट नहीं है, वी सैक ब्रांड आया मैं, बैक में भी डिजिटल प्रिंट था, बाजू पे भी था, और फ्रंट साइड उन डिजाइन में नहीं हुए है डिजिटल प्रिंट की, पर जो वर्क है उसमें डिफरेंस है। इसमें बीच को अबेल सी या भी नहीं हुए थी, वी सैक वाले की डाल और यो डिजाइन डिजिटल प्रिंट वाला यो भी नहीं हुआ था, पर उसमें मिरर का काम नहीं था, इसमें मिरर वर्क भी आ गया, ओरिजिनल मिरर ये सारे छिदे छिदे है चिपका रखे हैं फ्रंट साइड में, तो इसमें मिरर का भी काम आया है। पर इस काम में डिफरेंस होया है, जो ये बटरफ्लाई दे रखी है मल्टी कलर की, उस मेन्यू थी एक बटरफ्लाई में आरी वर्क और एक बटरफ्लाई कट दाना था हाईलाइट थी, पर इसमें ये सारी बटरफ्लाई आरी वर्क ते ही हाईलाइट है, इनमें कट दाना नहीं होगा। जो यो डिजाइन है मेन, इसमें कट दाने की जगह सारी की सारी बटरफ्लाई आरी वर्क ते हाईलाइट है, और उसमें मिरर थे आर्टिफिशियल, इसमें ओरिजिनल वाले मिरर है। वर्क का थोड़ा फर्क है, बाकी चीज गजब की है। प्योर क्रेप फैब्रिक, डिजिटल प्रिंट का फ्रंट में काम रहेगा, ऊपर भी इसमें ओरिजिनल मिरर है चिपकाए हुए, और नीचे भी जो बटरफ्लाई है इसमें भी ओरिजिनल मिरर मैं को चिपका रखी है। गले आरी वर्क तो हाईलाइट रहोगी, बटरफ्लाई सिर्फ कट दाना नहीं है बटरफ्लाई में, बाकी मिरर का काम और भी बढ़िया, ऊपर भी और मैं भी। तले को या फैंसी लैस आओगी इसकी, बाजू में भी इनर जरूर लगवा लियो, कमीज में लगेगा बाजू में जरूर, और कलर है यो कोपर कलर रहोगा। साइज देख लो सूट का, जितनी भी अपनी लंबाई चौड़ाई बन सके उससे आपते साढ़े 29 इंच चौड़ाई दे रखी है, तो जिस बेबे की मोड़ मैड का 26 या 26.5 की जोड़ी बना है उनका ही आराम तक बन जाएगा। साइड में इतना इतना बाजू का कपड़ा रह जाएगा, बाजू भी पौनी आराम तक लिख जाओगी। लंबाई और देखो सूट की, लंबाई है 45 तक, थोड़ी फालतू 45.5 के आसपास पड़ा है, पर 45 है मैंने कहा चलो थोड़ा फोल्ड फाल्ड होगा, यो 45 इंच आपकी सूट की पूरी लंबाई रहोगी, तो लंबाई चौड़ाई फुल है सूट की। यो अपना कमीज आओगा, बॉटम है प्योर आई लीलन में, डाई प्लस बॉटम का कपड़ा और फुल प्योर का डिजिटल प्रिंट में आओगा यो दुपट्टा। यो देखो यो दुपट्टा है, दुपट्टे पर बटरफ्लाई भी दे रखे है, वो है डिजिटल प्रिंट, जुकर कमीज में रहूंगा, फुल साइज है, फुल प्योर का दुपट्टा, डिजिटल प्रिंट है, जुकर कमीज में डिजाइन है नुकानु डिजाइन, यो डब्बी सी आला और बेल आला डिजाइन भी रहूंगा, और बटरफ्लाई भी आऊंगी इसमें पल्ल्या पे दनु साइड, उसमें शायद बीच में भी थी, इसमें पल्ले पल्ल्या पे आओगी दनु साइड बटरफ्लाई, और या लैस आओगी दनु साइड गोल्डन कलर की। इसका रेट है अपना 1450 रुपये रेट रहने वाला है विद शिपिंग, शॉप पर तो कोई भी लेकर जाओगी 1400। कलर चार्ट वो है, बस एक बार आपने फर्क देख लिया होगा, ध्यान तमने समझा दिया है ना, यो ब्रांड है वो वी शेक ब्रांड वाला अलग है, सिर्फ कलर चार्ट सेम है, फ्रंट का डिजाइन सेम है, पर वर्क देखो उसमें मिरर का काम नहीं था, इसमें मिरर का ऊपर भी काम आओगा, बटरफ्लाई में भी काम आओगा, उसमें कट दाने का काम था, एक बटरफ्लाई आरी वर्क था और एक कट दाने का हाईलाइट, पर इसमें सारी टोटल आरी वर्क का हाईलाइट है बटरफ्लाई। कलर देखो इसके, एक यू है फिरोजी कलर या फिरोजी शेड आओगी, फिरोजी यो फिरोजी कलर है, या इसकी बॉटम, और यो आओगा दुपट्टा, एक है इसमें मस्टर्ड येलो,
या मस्टर्ड येलो शेड है। और इसकी फ्रंट प्रिंट में डिजाइन रहने वाला है डिजिटल प्रिंट का, बैक में और बाजू में नहीं आएगा। मस्टर्ड येलो कलर है, एक आएगा इसमें गाजरी या इसकी गाजरी शेड रहने वाली है। उसमें शायद रानी शेड थी और फिरोजी की जगह सी ग्रीन सा कलर था डार्क में, पर इसमें थोड़े थोड़े लाइट से कलर पड़ गए। यो अपना गाजरी आ गया और एक फिरोजी आ गया नया, यो डार्क में गाजरी कलर है। तो ये चार कलर रहने वाले हैं, 1450 रुपये रेट है इनका, शिपिंग के साथ फिलहाल स्टॉक है इनका। चार सेट आए हैं, टोटल 16 सूट है। जोन सी बेबे ना चाहिए हैं वो फटाफट बता दियो। ये चार कलर आऊंगे, प्योर क्रेप फैब्रिक है, ओरिजिनल मिरर का आरी वर्क का काम रहने वाला है, फुल प्योर में डिजिटल प्रिंट का होगा दुपट्टा। कलर एक बार दोबारा ध्यान मार लो, यार यो आ गया अपना अम्बी वाला डिजाइन सिमर में, जो 2200 की रेंज में ऑर्गेंजा फैब्रिक में आया था। कलर 4-2 से टाइप में है, डबल शेड का सूट रहने वाला है, पर यो सिमर फैब्रिक में है और कम रेट आया है उस तय ऑर्गेंजा वाले तय। बॉटम का कलर सेम है, दुपट्टा है डबल शेड में, पर दुपट्टे में स्टोन नहीं है इसका, मतलब सिंपल दुपट्टा रहेगा। और यो सूट है अपना, बाकी उसकी लंबाई घनी थी, लंबाई चौड़ाई ज्यादा थी, इसकी नॉर्मल पाओगी। यो है देखो, लंबाई इसकी कम है उस तय, पर फ्रंट की ठीक है, नॉर्मल 42-47 तो पानी चाहिए। ऊपर शेड रहोगी इसमें फिरोजी, नीचे डार्क में नेवी ब्लू कलर शेड है, प्योर शिमर फैब्रिक है, शाइनिंग आपने अलग ही दिखेगी इसकी। इसमें सारा एंडवर का काम, पूरा गला बन जाएगा। साइड में यो जो है डिजाइन दे रखा है, गुलाई में ओरिजिनल आले मिरर है, कट दाने का भी काम है, पर्ल वर्क है, स्टिच करा जिग जैग में भी सारा नलकी पाइप का काम है, टोटल एंडवर्क है प्रॉपर। और बीच में जो ये तीन अम्बी बनाए रखी, अम्बी में भी हैवी डिजाइन रहने वाला है। देखो बीच में नेवी ब्लू कलर का धागा, सिक्वेंस वर्क है, स्टिच करा है, पर्ल वर्क भी स्टिच कर रखा है, गले इसमें कट दाने का भी काम रहेगा, दबका का भी काम है, जर्कन वर्क भी है और पर्ल वर्क भी, मतलब काम इसमें सारा एंडवर्क का ही है, टोटल एवी काम रहेगा एंडवर्क में। तीन आम भी बनाए दी साइडा में, ये जिग जैग में नलकी पाइप ही है, सारा स्टिच किया है, तले जाके फिर यह है अपनी जोड़ी। तो जोड़ी पे ये न्यू बनाए रखी बेल सी, इसमें भी ओरिजिनल आड़े मिरर, बैर को कट दाना, बीचों बीच जर्कन वर्क का और नलकी पाइप का ही काम, तले फेरिया लैस टाइप में डिजाइन, पर्ल वर्क है, नलकी पाइप है, ओरिजिनल मिरर है और यह बढ़िया आड़ी बारी लैस लगे। तो यो डिजाइन है प्योर शिमर फैब्रिक में, कलर इसमें सोलो ही आवे हैं, एक एक कलर आएगा यो ही। साइज में इसका सुई डाल मैं आपको बता दूंगी। डिजाइन तक 25 की जोड़ी तैयार हो जाएगी, प्लेन वाला मॉडर्न का छोड़ के 25 लग जिस बेबे की जोड़ी बना है उनका यो आराम से सूट बनेगा 25 तक की लेंथ वाले का। ये देखो इसकी लंबाई, लंबाई देखो इसकी दे रखी है 42 इंच, 42 की ही लंबाई दे रखी, बाकी थोड़ा है यो वर्क ऊपरा ने जा रहा है 2 इंच, यो देखो जोड़े एक इंच है, तो 43-43 लंबाई बन जाएगी, पर वो आपने फिर पिछली साइड थोड़ा जोड़ लगाना पड़ेगा, तो जोड़ चल जाएगा आप देख लियो अपने से आप तय, पर जिसने पाछली साइड जोड़ नहीं लगाना लगाना, फ्रंट बैक सेम लेनी है, उससे आप आपकी 42 की लंबाई बनाई है, बाकी जिस बेबे ने 43-43 लेंथ तैयार करनी है तो पछली साइड थोड़ा जोड़ लगेगा कपड़े का, वो आप देख लियो। बाकी जो अपने 2200 में ऑर्गेंजा का था उसकी लेंथ शायद 45 प्लस थी, 48-48 के आसपास। यो कमीज आएगा बैक में भी न्यू है, डबल शेड है, नेवी ब्लू कलर का और फिरोजी कलर का कॉम्बिनेशन है। बॉटम आ गई इसमें प्योर लीलन की,
डाई प्लस या फिरोजी है कलर की बॉटम है लीलन में, और ये फुल प्योर का होगा दुपट्टा, डबल शेड में दुपट्टा। पल्ले पल्लियां पर नेवी ब्लू कलर की शेड है, बीच में फिरोजी शेड है, इसमें स्टोन नहीं लग रहे, सिंपल दुपट्टा है। लेस इसमें फोर साइड आओगी बढ़िया वाली बारी लेस, पल्लियां पे भी है या बॉर्डर पे भी, तो इस लेस पे भी मतलब दुपट्टा है भी है विशाल लुक में आवे है यो, मतलब बारी लेस है। एक बार एक पीस का मैं लेंथ का इश्यू चेक कर लूं, भी सारे 42 की लेंथ के हैं या फिर एक आधा है यो, कई पीस आवे है न दिक्कत से। एक बार इसकी लेंथ और देख लो, सेम ही लग है, थोड़ा नूड क्लियर सा हो जाएगा, भी सबकी लेंथ एक सी आ रही है कि हाँ 41.5 है, 41.5 है, बाकी डिजाइन इसका थोड़ा ऊपर तक जावे है, 42 अलग बन जाएगी, थोड़ा थोड़ा डिजाइन ऊपर ले लियो, पर जो थोड़ा सा बैक साइड ज्यादा होंगी तो आप गला और भी ऊपर लेकर एडजस्ट कर सका थे, इसलिए 43 अलग, बीच में जोड़ नहीं लग रहा है, यह चीज देख लियो जिस बेबे का बनता हो न्यू बनवा इसको, थोड़ा गला आप ऊपर भी ले इसका, हाँ 2 इंच या 3 इंच आप बढ़ा इसका, हाँ 41.5 है, 43 अलग आराम से बन जाएगा, यो पछली साइड पर थोड़ा थोड़ा जोड़ लगेगा, जोड़ी पे पछली जोड़ी पे नेवी ब्लू कलर का साइड में तो पट्टी लिगड़े आओगी, उसमें तो जोड़ लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेस टाइप में जोड़ बन जाएगा, वो आप अपने हिसाब से देख के ले। तो इनका रेट 1750 है शिपिंग का साथ, और गंजाड़े का अपना 2200 था इस डिजाइन का, और यो अपना 1750 है, 16 ही कलर है, पीस फिलहाल इसके 8 आए हैं, तो जो सी बेबे का जो सा भी पसंद आवे स्क्रीन शॉट लेकर भेज दियो, पेमेंट ऑनलाइन होगी, सीओडी अवेलेबल नहीं है, फोन पे या गूगल पे, वीडियो ना लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो, राम राम जी।